हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पेटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स है और ये करेंट अफेयर्स आपके प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित है। तो इसका अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा ये 69 बीपीएससी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 400 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे इसका। तो पहला प्रश्न देखिएगा इस सेशन का, कहता है कि हाल ही में कहता है कि आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, ठीक है, किसका खिताब। तो देखिए संतोष ट्रॉफी 2023 का कहता है कि किसने इसका खिताब जीता, तो ये आपका कर्नाटक हो जाता है। 401 का आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक इसको जीतता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, फटाफट एक बार रिविजन कर लें क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, टाइम कम है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड कहता है कि किसे मिला है। ये सवाल देखिए इम्पॉर्टेंट है, ये वाला सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, याद रखिएगा। कहता है कि हाल ही में किसका, तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है ये आपको मीराबाई चानू को दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। 402 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 403 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। कहते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही हेकानी जखालू कौन सा, तो देखिए हेकानी जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है। 403 क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। कहता है कि हाल ही में हेकानी जखालू किस राज्य की महिला विधायक बनी है, तो यह आपका राज्य हो जाता है नागालैंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा, कौन सा, तो नागालैंड हो जाता है, ठीक है। 403 का आंसर आपका हो जाता है नागालैंड, याद रखिएगा। कहता है कि चर्चा में रही है जिनका नाम है हेकानी जखालू, ठीक है। कहता है कि किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है, तो ये राज्य आपका हो जाता है 403 का आंसर हो जाएगा सी, और ये हो जाता है आपका नागालैंड हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल है 404 देखेंगे हम लोग। कहता है कि हाल ही में फीफा ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया, किसका, तो पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं, और इनका नाम है लियोनल मैसी नाम हो जाता है। आप फोटो में भी देख सकते हैं, आप पहचानते होंगे अगर आप फुटबॉल के प्रेमी हैं तो, ठीक है। ये लियोनल मैसी हो जाते हैं जिनको पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड आपको दिया गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में फीफा ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का, किसका, तो महिला फुटबॉलर का अवार्ड कहता है कि किसे दिया गया, तो आप ये चेहरा भी पहचानते होंगे, ठीक है। ये महिला फुटबॉलर की श्रेणी में और फीफा ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का ये जो खिताब है दिया है, और ये नाम होता है एलेक्सिया पुटेलस हो जाते हैं, इनका जो नाम है एलेक्सिया पुटेलस हो जाती हैं, इनको महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 106 नंबर सवाल हो जाता है। कहता है कि हाल ही में फरवरी 2023 में आयोजित महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता, ठीक है। कहता है कि महिला वर्ल्ड T20 जो कप है, कहता है किस देश ने जीता है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत VVI है। कहता है कि महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है, इसका आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, कौन जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 407 नंबर देखेंगे। देखिए कहता है कि हाल ही में जेम्स वेब
टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिए ये आपका 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? डी आंसर हो जाएगा, कब? तो 2021 हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? ठीक है, कहता है कि भारत का स्थान बताइए कितना हो जाता है। तो भारत का स्थान देखेंगे इसमें, तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान आपको 42 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, 42वां स्थान हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 409 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि हाल ही में झोंगसिंग 26 कहता है हाल ही में झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कहता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो देखिए नाम से पता चल जाता है झोंगसिंग, मतलब ये चाइना वाले लोग ऐसे नाम रखते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। ठीक है, चीन के द्वारा होता है। अगला सवाल देखेंगे, कहता है हाल ही में कहता है कि कोबरा वॉरियर 410 नंबर देखेंगे, कहता है कि हाल ही में कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किस देश की वायुसेना द्वारा किया गया? ठीक है, कहता है किस देश की वायुसेना के द्वारा किया जाता है, तो ये जो देश है आपका ब्रिटेन हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के द्वारा हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 111 देखेंगे। हाल ही में एलोरा अजंता, कहता है कि हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहता है कहाँ पर किया गया, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए ये महाराष्ट्र में किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। कहाँ पे किया गया? तो ये महाराष्ट्र हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 412 नंबर देखिए, कहता है हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 412 नंबर कहाँ पे किया गया है? याद रखिए ये नई दिल्ली हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया जाता है। आंसर सी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, 413 नंबर सवाल देखिएगा। 413 नंबर कहता है हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला है? 413 नंबर क्या हो जाएगा? ये बहुत ही VVI है आपके लिए, याद रखिएगा। कहते हैं कि किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 का खिताब मिला? तो ये आप आंसर देखेंगे, आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है जम्मू कश्मीर को ये दिया गया। किसको दिया गया? तो जम्मू कश्मीर को दिया जाता है और ये केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 14 नंबर देखिए। 14 नंबर सवाल कहता है हाल ही में किस देश में, प्रश्न को समझ के बार बार बोल रहे हैं कि दो बार जब भी एग्ज़ाम देने जाना हो, अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं तो टेक्स्ट में भी आप प्रश्नों को दो बार पढ़ने की आदत बनाइए, ताकि एग्ज़ाम में आपका स्कोर इससे बढ़ता है। कहते हैं कि हाल ही में किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया? कहते हैं किस देश में, 14 नंबर सवाल हो जाता है किस देश में, तो ये आपका हो जाता है UAE हो जाएगा, UAE हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात हो जाता है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ठीक है, संस्कृति महोत्सव आयोजित किया गया था? कहता है कि किस जिला में, राजस्थान के किस जिला में किया गया, तो क्या हो जाएगा? ये 15 नंबर हम लोग देखेंगे, तो ये देखिए बीकानेर में हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 16 नंबर
16 नंबर सवाल देखिए, कहता हाल ही में चर्चा में रहा द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट की स्थापना किसने की, कहता क्लाइमेट की स्थापना किसने किया, तो 16 नंबर देखिएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाता है, ए और बी दोनों हो जाता है, यूएई के द्वारा भी होता है और यूएसए भी हो जाएगा, अमेरिका भी हो जाएगा, यूएई हो जाएगा और यूएसए हो जाएगा, इस तरीके से आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाता है, ठीक है, आंसर ए और बी दोनों हो जाता है, ठीक है। और इसी को द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट की स्थापना इन्हीं दो लोगों ने मिलकर के किया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कहता है हाल ही में कैग सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया, बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया, तो 17 क्या हो जाएगा, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, अगला देखिएगा 418 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि नृत्यांगना कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है इसका संबंध किस नृत्य से हो जाता है, तो कौन सा नृत्य हो जाता है, इनका संबंध जो है, इनका नाम देखिए ये बहुत ही चर्चा में रही हैं, काफ़ी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी हैं, इनका नाम है कनक रेले, हाल ही में निधन हो गया और पूछा जा रहा है कि इनका संबंध किस नृत्य के साथ हो जाता है, तो ये आपका मोहिनी अट्टम हो जाएगा, कहाँ पे, तो 418 देखिए मोहिनी अट्टम से इनका संबंध रहता है, ठीक है। 419 नंबर हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है, कहता है कि हाल ही में 22वां विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया है, इसके अध्यक्ष कौन है, 419 का कहता है कि इसके अध्यक्ष बताइए कौन हो जाते हैं, तो आप इनको जानते होंगे, इनका नाम है ऋतु राज अवस्थी, ठीक है, आप जानते होंगे इनका नाम ऋतु राज अवस्थी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, चार सौ बीस नंबर हम लोग देखेंगे, कहता है हाल ही में डेबरीगढ़ है, ठीक है, कहाँ पे, हाल ही में डेबरीगढ़ को नए टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दी है, और कहता है कि यह किस राज्य में स्थित है या राज्य से संबंधित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, डिब्रीगढ़ देखेंगे, ये आपको उड़ीसा में पड़ता है, कहाँ पे, उड़ीसा में, तो आंसर क्या हो जाता है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 21 नंबर सवाल देखेंगे, 421 कहता है हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 कौन सा, याद रखिएगा 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है, कहता है किसको प्रदान किया गया, तो आंसर आपका ए हो जाता है, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट हो जाता है, आंसर ए हो जाएगा, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट हो जाता है, ये मूवी है और इसी को यह पुरस्कार दिया गया, 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 दिया गया, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, 422 नंबर देखिए, कहता है हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ शुरू हुआ है, कहता है किसके साथ शुरू हुआ है, तो बताइए 422 नंबर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा विश्व बंधुत्व, आंसर ये हो जाएगा विश्व बंधुत्व के साथ शुरू हुआ है, ठीक है, 422 का आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 423 नंबर सवाल, कहता है कि हाल ही में दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 देखिए, कहता है कि हाल ही में दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में कहता है कि किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो 423 क्या हो जाएगा, तो ये देखिए कश्मीर फाइल्स को दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कश्मीर फाइल्स हो जाता है, ठीक है, और यहीं ये पुरस्कार जीता है कश्मीर फाइल्स को, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, 424 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे हाल ही में यूनिसेफ इंडिया कौन सा, तो यूनिसेफ इंडिया द्वारा किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया,
24 नंबर सवाल देखेंगे, 424। तो देखिए, कहता है कि बताइए किसी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया द्वारा किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये हो जाते हैं आपको आयुष्मान खुराना नाम होता है इनका, आंसर सी हो जाता है, 424 का सी हो जाएगा। कितना? 424 का सी, आयुष्मान खुराना हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है 425, हम लोग देखेंगे। कहता है कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? कौन सा? तो देखिए, समावेशी, कहता है कि अनुभूति समावेशी पार्क की, ठीक है, आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो 25 नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका आधारशिला आपको नागपुर में रखा जाता है। कहाँ पे? नागपुर में। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 26 नंबर देखिए, 26 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में 26 देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय थल सेना द्वारा उत्तराखंड में, कहाँ पे? उत्तराखंड में। कौन सा? तो चौथे डस्टलिक, कौन सा? तो डस्टलिक द्विवार्षिक अभ्यास किस देश के साथ किया गया? ठीक है, तो डस्टलिक अगर अभ्यास की बात कर दिया जाए तो 426 नंबर कौन सा देश के साथ होता है? तो याद रखिए, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है, उज्बेकिस्तान के साथ, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ आपको डस्टलिक जो द्विवार्षिक अभ्यास है यही होता है, ठीक है। और ये देखिए चौथा हो जाएगा कहाँ पे? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा। 427 नंबर देखिए, 427 नंबर कहता है हाल ही में नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? 427 का, ठीक है, नीति आयोग का नया CEO कह रहा है, CEO, ठीक है, CEO पूछ रहा है कि कौन हो जाते हैं। तो ये देखिएगा, आंसर बी हो जाएगा, बी वी आर सुब्रमण्यम हो जाते हैं, जिनका फोटो आप देख रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 427 वहीं सेम हो गया है, चलिए अगला देखते हैं, 28 देखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन हो जाते हैं 25,000 रन? कितना? तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये देखिए, विराट कोहली हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो लोग क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते होंगे तो देखिएगा, वहाँ से प्रश्न उन लोगों का नहीं छूटता है, गलत नहीं होता है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? विराट कोहली के द्वारा बनाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 429 नंबर, कहता है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO, किसका? तो यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय मूल के व्यक्ति को, ठीक है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या रहता है? तो देखिएगा, इनका नाम नील मोहन रहता है। आंसर सी हो जाता है। क्या नाम रहता है? नील मोहन रहता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 423 नंबर, अगला सवाल है, कहता है कि फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का फाइनल किस टीम ने जीता है? 430 का, कौन सा टीम हो जाता है रणजी ट्रॉफी का फाइनल? कहता है कि किस टीम ने जीता? तो याद रखिए, ये सौराष्ट्र हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा? तो सौराष्ट्र के द्वारा हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे आपको, 431 हो जाएगा, ठीक है। कहता है हाल ही में मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन हो जाता है? ठीक है, 431 का क्या हो जाएगा? कहता है यहाँ पे कि मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून को पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन हो जाता है? तो आंसर आपका स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाता है? आंसर ए हो जाता है। कौन सा कंट्री है? तो आपको ये स्पेन हो जाता है। यूरोप का पहला कंट्री है जिसने महिलाओं के मासिक धर्म पे उन्होंने छुट्टी देने का कानून पास किया, पारित किया, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 432 देखिए, कहता है हाल ही में WHO द्वारा पहली बार किस देश में मारबर्ग रोग, कौन सा? मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है।
32 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये आपका आंसर हो जाता है इक्वेटोरियम गिनी में किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इक्वेटोरियम गिनी में हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 33 नंबर देखेंगे। कहता है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा, कहता है किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? 433 क्या हो जाता है? तो ये आपको जो राज्य है ये सबसे ज़्यादा जो शिक्षा पे बजट किया वो आपका कौन हो जाएगा? तो आपका ये असम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 433 का क्या हो जाता है? डी हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 434 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि भारत जापान के, कहता है कि भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? 434 कहता है कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो कौन हो जाएगा? धर्म गार्जियन हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा, भारत और जापान के मध्य में धर्म गार्जियन, याद रखिएगा, बहुत ही बेबियाई हो जाता है, धर्म गार्जियन हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 435 नंबर देखेंगे। कहता है हाल ही में आरबीआई के द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या रखी गई? कहता है कि इसका थीम क्या रखा गया है ये बताइए। तो 435 क्या हो जाता है? तो देखिए यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, गुड फाइनेंस बिहेवियर योर सेवियर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, 436 नंबर सवाल देखते हैं। 436 कहता है कि हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता किया गया? 436 नंबर क्या हो जाएगा? तो किस राज्य के साथ समझौता किया गया? वो राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 437 कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जल जन अभियान कौन सा? तो जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ से किया गया है? कहता है कहाँ से किया गया है, तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए आपको राजस्थान से होता है। 437 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। कहाँ से शुरुआत किया गया? तो राजस्थान हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, 438 नंबर देखिए। 438 नंबर कहता है हाल ही में केरल का अकबर, कौन सा? केरल का अकबर ककटील पुरस्कार कहता है कि किसे मिला है? 438 नंबर किसे मिला है? तो याद रखिए सुभाष चंद्रन हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, सुभाष चंद्रन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, 439 नंबर होता है, 439 हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? कौन सा? तो राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहता है कि कहाँ की जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 39 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो याद रखिए ये नई दिल्ली होगा। कहाँ पे? तो नई दिल्ली हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 440 नंबर देखेंगे, 440 कहता है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर, कौन सा? प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया, तो क्या हो जाता है? तो यहाँ पे देखिए 440 का कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हरियाणा हो जाता है, सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 441 हो जाता है। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया? कहता है किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया, तो 441 क्या हो जाता है? तो देखिए सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास जो है इसी से संबंधित है इसका उद्देश्य, कि सीमावर्ती क्षेत्रों का क्या हो? विकास हो जाए। आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 442 नंबर। 442 कहता है हाल ही में चक्रवात ग्रेबियल के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? ठीक है, कहता है कि बताइए कौन सा चक्रवात है। तो चक्रवात ग्रेबियल के कारण कहता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया।
ठीक है, तो ये 442 क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए, न्यूजीलैंड ने क्या किया, अपने यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया। अगला देखते हैं 443 नंबर, कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023, कहता है हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहता है कि कहाँ किया गया है। 43 नंबर सवाल, कहाँ किया गया है, तो आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। कहाँ किया गया, तो महाराष्ट्र हो जाता है, आंसर डी हो जाएगा। 444 नंबर हम लोग देखेंगे, 444 कहता है कि हाल ही में 13 फरवरी को, कहता है हाल ही में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है, कहता है किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको 444 देखेंगे तो ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाता है, तो सरोजनी नायडू हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाता है, सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल है हम लोग का 445 नंबर देखेंगे, 445 देखिए, कहता है हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है, ठीक है, किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है, तो इसे देखिए, कहता है 445 देखेंगे, कहते हैं यहाँ पे कि हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया, तो ये आपको उत्तराखंड हो जाता है, कौन सा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, किसके द्वारा किया जाता है, तो उत्तराखंड के द्वारा होता है, तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 46 नंबर सवाल देखेंगे, कहते हैं हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023, महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, 46 नंबर आप इन्हें देख रहे होंगे, 46 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी महिलाओं में कौन बनी है, तो आप इनको देख रहे हैं, स्मृति मंधाना इनका नाम हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, क्या हो जाएगा, स्मृति मंधाना हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 47 नंबर देखेंगे, 47 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली क्या नाम रहता है, स्काई यूटीएम को कहां पर लॉन्च किया गया है, स्काई यूटीएम को कहां पर लॉन्च किया गया है, तो याद रखिए इसे भारत में लॉन्च किया गया, आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा, कहां पे, तो भारत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 48 नंबर सवाल देखेंगे, 48 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को किस उद्देश्य से विस्तारित करने की घोषणा किया गया है, क्या करने की, तो विस्तारित करने की, इसको विस्तार करने की घोषणा किया गया है, तो 48 का क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आंसर आपका उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा, जैसे में सफाई कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना, मानव मल के संपर्क में आने से रोकना और सीवर की 100% यांत्रिक सफाई करना, ठीक है, तो उपर्युक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 49 रखेंगे, 49 देखिए, कहता है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन सा, तो 5वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है, 49 नंबर, कौन सा राज्य आता है, तो राज्यों की देखेंगे तो वो राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला देखते हैं हम लोग, 450 देखेंगे, 450 कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, 450 क्या कहता है, तो ये देखिए अनुच्छेद की बात है तो अनुच्छेद 155 के तहत होता है, 450 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 155 आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। 451 देखेंगे, कहते हैं यहाँ पे हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा राशि कितनी कर दी गई है, 451 कितना कर दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 25 लाख हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है, कितना, तो 25 लाख हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, 452 नंबर, कहता है कि हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत को
कौन सा स्थान पर रखा गया है, 452 नंबर कौन सा स्थान पर रखा गया है, तो भारत को 10वां स्थान पर रखा गया। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। अगला देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर देखिए, कहता है हाल ही में गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू वृथ पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, 53 नंबर कौन हो जाते हैं, तो राखी कपूर हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, राखी कपूर हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम 454 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 454 नंबर देखेंगे, हाल ही में विश्व में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं, तो 454 का क्या हो जाएगा, 400 हम लोग 54 देखेंगे, तो देखिए ये हो जाता है रविचंद्रन अश्विन हो जाते हैं। आंसर डी हो जाएगा, कौन सा, रविचंद्रन अश्विन हो जाते हैं, 454 हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 455 नंबर सवाल देखते हैं। 455 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बॉर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा किया गया है, कौन सा, तो देखिए बॉर्ड चॉटबैट चैटबॉट जो है किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है, तो याद रखिए 455 क्या हो जाएगा, तो ये गूगल के द्वारा हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, गूगल के द्वारा इसको लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 456 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023, कौन सा, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 56 नंबर क्या हो जाएगा, किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर पैगी मोहन हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी, डॉक्टर पैगी मोहन को सम्मानित किया गया है, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 57 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक कौन सा काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहता है कहाँ किया गया है, ठीक है, कहता है कहाँ किया गया है, तो 57 क्या हो जाएगा, ये मुंबई आंसर हो जाता है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, डी, मुंबई में किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 58 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, कहता हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया, तो किसे हेरिटेज का प्रदान किया गया, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय हो जाता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय को आपको मिला है हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 459 हो जाता है, 59 नंबर सवाल देखिए, कहता है भारत के द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया गया है, तो 59 नंबर कौन सा हो जाता है, तो याद रखिए आपका यूएई हो जाएगा और फ्रांस के साथ होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी हो जाता है, दोनों यूएई और फ्रांस के साथ नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 60 नंबर देखेंगे, कहता है हाल ही में पीएम मोदी ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, कहता है कहाँ रखी गई है ये बताइए, कहाँ रखा गया है, तो याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, तुमकुरु में रखा गया है, कहाँ पे, तुमकुरु हो जाता है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 461 नंबर सवाल देखिएगा, 461 कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा किस नगर निकाय द्वारा किया गया, कहता है किस नगर निकाय द्वारा किया गया, तो क्या हो जाएगा, यह इंदौर के द्वारा होता है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, किसके द्वारा, इंदौर के द्वारा होता है। चले गला देखते हैं हम लोग 462 नंबर, कहता है कि 3 ग्रैमी पुरस्कार, यार बहुत ही बीबीआई है ये वाला फ्रेंड्स, सब याद रखिएगा इसको, कहता है कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार कहता है, संगीतकार कौन हो जाते हैं, तो 462 क्या हो जाएगा, रिंकी केज हो जाते हैं, रिंकी केज नाम है इनका, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 63 नंबर, कहता है कि हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन कहता है कि बेंगलुरु में किसने किया है, तो क्या हो जाएगा, ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 64 देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहता है कहाँ पर रखी है, तो याद रखिए बहुत बेबीआई हो जाता है आपका, 64 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो इसे याद रखिए ये झारखंड में किया गया, कहाँ पे, तो झारखंड में इसका आधारशिला रखा गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे 65 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में याया तोसो झील को कहाँ का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, 465 हम लोग देखेंगे क्या हो जाता है, तो ये देखिए आपका लद्दाख हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा, तो लद्दाख हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कहता है हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिए भारत गौरव रेल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, कौन सा, तो भारत गौरव रेल हो जाता है, ठीक है, इसी को प्रारंभ करने की घोषणा किया गया है। अगला देखते हैं 467 नंबर सवाल, 467 देखिएगा, कहता है यहाँ पे 467 कि हाल ही में मेरू रुख मेरा संतति, कौन सा, मेरू रुख मेरा संतति हरित पहल कहाँ शुरू की गई है, 67 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो ये आपको सिक्किम में शुरू किया जाता है, कहाँ पे, सिक्किम में, आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 68 नंबर, देखिए 68 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन हो जाता है, तो 68 कौन हो जाएगा, कांगो गणराज हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, कांगो गणराज हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य। अगला सवाल देखते हैं 69 नंबर देखेंगे, कहता है कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके शुरू किया, ठीक है, प्रोजेक्ट एलेरा को किसने शुरू किया, ये सवाल है आपका, 69 नंबर क्या हो जाएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी माइक्रोसॉफ्ट हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 470 नंबर देखेंगे, कहता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले, कौन सा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखिए कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 70 क्या हो जाता है, देखिए ये हरियाणा में हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कहाँ पे, तो हरियाणा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कहता है 471 नंबर, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, 71 नंबर क्या कहता है, कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखिए ये मंदसौर हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, मंदसौर में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन आपको मंदसौर में किया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, 72 नंबर सवाल कहता है, 72 कहता है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहता है कहाँ किया गया, तो 72 क्या हो जाता है, तो देखिए इसका आयोजन आपको लद्दाख में किया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, कहाँ पे, तो लद्दाख हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 73 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा किया गया है, 73 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 73 नंबर सवाल देखिए इसका आंसर आपको 73 का क्या हो जाएगा, तो हैदराबाद हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 74 नंबर सवाल देखिएगा, 74 नंबर कहता है हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया, और कहता है यह किस देश में स्थित है, 74 नंबर किस देश में स्थित है, तो यह देश का नाम आपका हो जाता है इजराइल, आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, इजराइल में यह स्थित है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 75 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में चर्चा में रहा इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, 75 नंबर किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है, 75 नंबर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इकोनॉमिक आउटलुक को जारी किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 76 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में बजट 2022-23 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं कौन सी रही है, 76 नंबर सवाल कौन सी रही है, तो उपरोक्त में से सभी हो जाता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो जाता है, प्रधानमंत्री PVGT हो जाएगा, विकास मिशन और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम हो जाता है, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। 77 नंबर देखेंगे हम लोग, 77 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया,
कौन सा? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो ये देखिए 2 फरवरी को मनाया गया। कौन सा? आंसर आपका ए हो जाता है, 2 फरवरी को। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 78 का देखिए। 78 कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहता है कहाँ किया गया? त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? तो 78 क्या हो जाता है? ये आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? आंसर आपको बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल हो जाता है, याद रखिएगा। कौन सा? तो पश्चिम बंगाल हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा? तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन। 79 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 79 कहता है हाल ही में आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौन सा आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो यह राज्य आपको उत्तर प्रदेश हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। 480 नंबर देखेंगे हम लोग। 480 देखिए, कहता है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा, कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष शाबा कुरैशी, कौन सा? तो शाबा कुरैशी किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित हो जाते हैं? तो ये देखिए हंगरी से संबंधित हो जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा, किस देश से? तो हंगरी से संबंधित होते हैं। अगला सवाल देखेंगे 481 नंबर। 481 देखिए, कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर, कहता है आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है? कहता है कितनी अनुमानित है? तो क्या हो जाएगा? तो 6.5% हो जाएगा, 6.5% आपको आर्थिक विकास दर अनुमानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 482 नंबर। हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा किया गया है? 482 नंबर किसको बनाने की घोषणा किया गया है? तो 482 हम लोग देखेंगे, ये विशाखापत्तनम को बनाने की घोषणा किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा, विशाखापत्तनम। 483 नंबर सवाल देखेंगे। 483 देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में महिलाओं को प्रतिमा 1,000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू किया? लाडली बहना योजना कौन सा? तो लाडली बहना योजना किसने शुरू किया? तो ये देखिए मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया जाता है, जो महिलाओं को पर मंथ 1,000 रुपये आपको देगी। अगला सवाल देखते हैं, 84 नंबर देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? हरित राज्य बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 84 देखेंगे, यह 2025 तक रखा गया। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, 2025 तक टारगेट है इसका। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023, कौन सा? ऑरेंज फेस्टिवल 2023 ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 85 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो नागालैंड हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। कौन सा? तो नागालैंड हो जाएगा। 86 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में चर्चा में जादुई पिटारा का संबंध किस क्षेत्र से है? जादुई पिटारा का 86 नंबर कहता है कि जादुई पिटारा का संबंध किस क्षेत्र से हो जाता है? तो याद रखिए बहुत ही वीवीआई है, शिक्षा के क्षेत्र से हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, 87 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 87 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023, कौन सा? याद रखिए मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? 87 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? हरि बाल कृष्णन को दिया गया, हरि बाल कृष्णन को दिया गया, जो आप देख रहे हैं हरि बाल कृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 488 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? तो 88 नंबर क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, ये नाम हो जाता है आपका, आंसर बी हो जाएगा। किसके नाम पे? तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख के नाम पे हो जाता है इसका नाम बदल करके, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 89 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसलों को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाईकोर्ट ने हासिल की है? तो 89 नंबर सवाल क्या हो जाता है? 89 में देखेंगे हम लोग, तो देखिए ये केरल हो जाता है। कौन हो जाता है? तो केरल हो जाता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 90 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि हाल ही में राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान, कौन सा? सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन किसने किया? ये सवाल पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाता है? तो ये आपको ओम बिरला के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और याद रखिए बहुत वीवीआई हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग।
491 नंबर देखेंगे, कहते हैं हाल ही में जर्मनी का नॉर्डविस्ट कप जीतकर भारत के 80वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। जो 491 क्या हो जाते हैं, तो विग्नेश एनआर हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विग्नेश एनआर के द्वारा हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 492 नंबर देखिए, हाल ही में कहता है यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कौन सा, तो यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कहता है कब मनाया गया, तो कब हो जाता है, 21 फरवरी को मनाया गया। आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 493 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह का 49वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो 93 नंबर सवाल क्या हो जाता है, 93 नंबर ये देखिए मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 94 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो 94 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये पुणे में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, पुणे में हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 95 नंबर सवाल देखेंगे। 95 कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7वां राष्ट्रीय फ्लोरेंस विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है, कौन सा, तो देखिए 7वां राष्ट्रीय फ्लोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो 95 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो ये देखिए कर्नाटक में हो जाएगा। 95 का क्या हो जाएगा, कर्नाटक में इन्होंने आधारशिला रखा है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 96 नंबर। हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो 96 का क्या हो जाएगा, तो देखिए 96 का आंसर आपको हरियाणा हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा, कौन सा, तो हरियाणा में हो जाता है। अगला सवाल देखिए, 97 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 97 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में फॉर्च्यून की विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है, तो 97 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो 97 नंबर देखेंगे तो TCS हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, कौन सा, तो TCS हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 98 नंबर देखेंगे हम लोग। तो 98 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है, तो 98 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये देखिए भारत के द्वारा हो जाता है। 98 आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 499 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने किया है, ठीक है, तो कौन हो जाता है, तो भूपेंद्र यादव के द्वारा हो जाते हैं। आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाता है, भूपेंद्र यादव। चलिए सेशन का हम लोग अंतिम सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल हमारा कहता है यहाँ पे कि भारत के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर कौन सा, तो गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले CEO कौन बने हैं, तो आप देख सकते हैं इनका नाम होता है माधवेंद्र सिंह। क्या नाम रहता है, माधवेंद्र सिंह ये रहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, माधवेंद्र सिंह हो जाते हैं। और ये सेशन हमारे यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो इस सेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक्स सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, और रिवीजन जो है एकदम बढ़िया से करें। ठीक है, अब बिल्कुल टाइम नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है BPSC में। ठीक है, तो चलिए आप लोग रिवीजन अच्छा से करिए और सेट का भी प्रैक्टिस करते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।